नमस्कार, जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकिता। कल्पना कीजिए कि अगर सूर्य ना हो तो जिंदगी कैसे गुजर बसर करेगी। सूर्य के बिना किसी चीज की कल्पना तक नहीं की जा सकती। सूर्य ही दिन रात तय करते हैं। सूर्य अक्षय ऊर्जा का स्रोत है, लेकिन तकनीक के इस युग में वैज्ञानिक अब कृत्रिम सूरज भी बनाने लगे हैं और उसमें इस सूरज से भी ज्यादा गर्मी है। चीन पहले ही कृत्रिम सूरज बना चुका है। अब भारत समेत 35 देशों के वैज्ञानिक कृत्रिम सूरज पर काम कर रहे हैं। फ्रांस के सेंट पॉल लेज ड्यूरेंस इलाके में इस शोध के लिए विशाल प्रयोगशाला बनाई गई है। प्रयोग सफल रहा तो मनुष्य को ऊर्जा का अक्षय स्रोत मिल जाएगा, जिसके खत्म होने का कोई डर नहीं रहेगा। ये सूरज आसमान में तो नहीं चमकेगा, लेकिन उसकी ऊर्जा से पूरी दुनिया रोशन जरूर होगी। आपको बता दें कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया है। नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया में दो छोटे अणु मिलकर एक बड़ा अणु बनाते हैं। हाइड्रोजन के दो अणु के मिलने से हीलियम बनने की प्रक्रिया में मुक्त होने वाली अतः ऊर्जा ही सूर्य एवं ब्रह्मांड में अन्य बहुत से तारों की सतत ऊर्जा का स्रोत है। वैज्ञानिकों का कहना है कि जब पृथ्वी की जनसंख्या 1 अरब थी, तब यहाँ अक्षय ऊर्जा के पर्याप्त स्रोत थे, लेकिन आज की 8 अरब आबादी की ऊर्जा की जरूरतों को लगातार पूरा करते रहने के लिए हमें ऐसे स्रोत की ओर बढ़ना होगा जो वास्तव में अक्षय है। वो स्रोत जिसका प्रयोग प्रकृति हमेशा से करती चली आ रही है। ऊर्जा का वो स्रोत है नाभिकीय संलयन। टोकामैक नाम की मशीन में भारी हाइड्रोजन यानी कि ड्यूटेरियम और ट्राइटियम के अणुओं को डाला जाता है और मशीन के चारों तरफ सुपर मैग्नेट एक्टिव कर दिया जाता है। इससे अंदर प्लाज्मा बन जाता है। मैग्नेटिक फील्ड के जरिए प्लाज्मा को बांधे रखा जाता है, जिससे ऊर्जा बाहर आकर मशीन की दीवारों को गर्म ना करे। प्लाज्मा को 15 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, जिससे ड्यूटेरियम और ट्राइटियम का संलयन होता है। इस प्रक्रिया में हीलियम और न्यूट्रॉन बनते हैं, जिनका द्रव्यमान ड्यूटेरियम और ट्राइटियम के संयुक्त द्रव्यमान से कम होता है। संलयन की प्रक्रिया में यही अतिरिक्त द्रव्यमान ऊर्जा में बदल जाता है। अभी प्रयोग के दौरान निकली ऊर्जा को कुछ धातुओं के माध्यम से सोखा गया है। भविष्य में इस ऊर्जा से भाप बनाने, टर्बाइन चलाने और बिजली बनाने जैसे काम किए जा सकते हैं। कुछ महीने पहले ही चीन ने तकनीकी क्षेत्र में एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए एक नया इतिहास रच दिया था। दरअसल चीन ने एक कृत्रिम सूर्य तैयार किया था, जिसे लेकर चीन का दावा है कि ये असली सूर्य के मुकाबले 5 गुना गर्म है। अब दुनिया की बेहतरी के लिए फ्रांस भी ऐसा ही कुछ करने की कोशिश में लगा हुआ है। फ्रांस में दक्षिण के पहाड़ी इलाके में इस तरह का सूर्य बनाने की तैयारी चल रही है, जो दुनिया भर को साफ और स्वच्छ ऊर्जा के स्रोत प्रदान कर सकता है। इस प्रयोग में भारत के वैज्ञानिकों का भी योगदान माना जा रहा है। माना जा रहा है कि इस सूरज के तैयार होते ही मानव इतिहास का सबसे बड़ा ऊर्जा का संकट समाप्त हो जाएगा। इसके साथ ही इस कृत्रिम सूर्य से जलवायु परिवर्तन की आफत से भी धरती को राहत मिलेगी। हालांकि ये प्रक्रिया इतनी भी आसान नहीं है, लेकिन वैज्ञानिक इस असंभव को संभव कर इसे धरती पर दोहराने की कोशिशों में लगे हुए हैं। उम्मीद है कि इस न्यूक्लियर फ्यूजन के जरिए बिना ग्रीन हाउस गैस निकले और बिना रेडियो एक्टिव कचरे के जीवाश्म ईंधन के विपरीत असीमित ऊर्जा मिल सकेगी। खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.jbt.com को लॉगिन कर सकते हैं। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए जनभावना टाइम्स। नमस्कार।